ओके, अब हम वर्ड एंड सेंटेंस वाली बुक में वर्क करेंगे। पेज नंबर है 45। 45 पे आज हम देखेंगे दिस डेट, दीज एंड दोज टू। हमने दिस डेट का यूज पहले भी किया था एंड दीज एंड दोज का यूज भी कर रखा है, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दिस और डेट नियर एंड फार के लिए यूज कर सकते हैं, और इसी का अगर हम प्लूरल करेंगे तो दीज एंड दोज होगा, ठीक है। दिस का प्लूरल दीज एंड डेट का प्लूरल दोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज माई बाइसाइकिल, तो यहाँ पे हमको दीज एंड दिस में से यूज करना था। तो हमारे पास क्या है, वन है। बाइसाइकिल कितनी है, वन है, तो वन के लिए सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस। तो यहाँ पर दिस आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे आर हर क्रियॉन्स, तो अब यहाँ पर क्या है, क्रियॉन्स। क्रियॉन्स है मीन्स ये बहुत सारे है, प्लूरल है, तो हमको यहाँ पर प्लूरल यूज करना पड़ेगा। प्लूरल के लिए हम दीज यूज करते हैं, दिस नहीं करते, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे दीज लिखना है। टी एच ई एस ई, दीज आर हर क्रियॉन्स। इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके रीड करना है। ओके, तो इस तरह से आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पे आज हम देखेंगे ओ आई एंड ओ वर्ड्स। इसमें आपको रीड करना है बॉयल, कॉयल, सॉयल, कॉइन, जॉइन, फूड, गुड, हुड, मूड, वुड, रूफ, बुक, कुक, लुक, टुक। इस तरह से आपको 3-4 बार आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, पूरा रीड करने के बाद ही आपको ट्रेस करके राइट करना है। ओके,